सर ये मीटिंग का टाइम इंक्रीज नहीं हो सकता, मतलब 40 मिनट फिक्स रहता है। हाँ ये असल में जो अनपेड वर्जन होते हैं ना उसमें 40 मिनट रहता है, फिर उसका हम यही पाकिस्तानी वाला तरीका है कि फिर दोबारा से जैसे अच्छा, सही। हाँ वो पेड वर्जन जो होता है ना उसमें टाइम होता है इंक्रीज। एक्चुअली ये 40 मिनट नहीं देते, ये 30 मिनट देते हैं, 10 मिनट ये वेट करते हैं जो फ्लक्चुएशन होती है ना गुफ्तगू करते हुए, इसलिए वो 40 मिनट तक चला जाता है। अच्छा इसमें उसने कहा कि एक इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड मूव एज वन ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ये याद रखना, हो सकता है कहीं पे इस तरह की बात जो है वो कोई पूछ ले, कुछ टेक्निकल टर्म में कुछ लोगों ने याद की हुई होती है तो फिर इस हवाले से बाज दफा जो है पूछ भी लेते हैं। और एग्जांपल्स भी इसकी कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक की भी आपने अपने एफएससी की किताब से इसको भी पढ़ लेना, इसमें जो एग्जांपल्स उसने कोट की हुई हो वो भी आप वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है अच्छा इनके प्रॉब्लम्स देख रहे हो, प्रॉब्लम्स पढ़ने जरूर है एक दफा, मैं ये नहीं कहा था सॉल्व करके आप उनको रटा लगाए, ये खास तौर पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन तो सारे पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये लाजमी तौर पे पढ़ने हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले। ओके सर। हाँ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, हम वो सारी यहाँ पे कर नहीं सकते डिस्कस, कुछ चीजों को जनरल हमने लेके चलना होता है तो इसलिए ना। बस मेरा ख्याल इसमें ये इतना ही काफी है, मैं देखूं कोई और, ये कुछ एमसीक्यूज हैं इनको ना आपने ट्राई करना है, ये हैं तो ए लेवल के लेकिन कुछ इसमें से अच्छे हैं जो उस तरह की स्टेटमेंट के करीब तरीन हैं जो आपसे इस तरीके से पूछी जाएगी। देखें ये, व्हाट आर द करेक्ट बेसिस बेस यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी, व्हाट आर द करेक्ट बेस यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी। इवन आपके आपका इस लेवल के ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है इनके पूछने के ज्यादा चांस है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इम्पल्स, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की सूरत हाल दी हुई है ऊपर ना, ये खुद कैलकुलेट करना है आप लोगों ने बैठ के, ये मैं सेंड करता हूं अभी आप लोगों को ना। इसमें कुछ उसने सिंपल डेफिनेशंस के तौर पे भी इस तरह चीजें पूछी हुई हैं, इस तरह ये है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, इससे थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाता है। ये बस वो दो चार शॉर्ट क्वेश्चन थे एमसीक्यूज थे उसमें। अच्छा ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, थोड़ा सा आइडिया देख लें इसका। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, क्यों जी क्या इसका मतलब, वे ऑफ सॉल्यूशन बताएं जरा। एक्चुअल बेशक ना हम पहुंचे वहां तक, हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि हमारा जो वे ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है। सर डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है हमने, अच्छा उसके बाद उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा और कोई स्टूडेंट इसके बारे में बात करे जिसने वर्क डन वाला कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, क्योंकि वर्क तो हम कर चुके हैं। सिंपली हम इंटीग्रल ले लेंगे x is equal to 0 से x is equal to 1 तक। गुड तो लेजर इंटीग्रल f dx इंटीग्रेट करने, अभी अंदाजा हो सकता है जल्दी से कि क्या इंटीग्रल लें इसका। सर बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा देखें,
An engine develops 12 kilowatt of power. How much time will take to lift mass of 200 kilogram to the height of 40 meter? इसमें कोशिश करें इसका फार्मूला क्या बनना चाहिए, आसान सर, है पावर का तो, सर पावर का वैसे फार्मूला होता है P is equal to W over T. तो P is equal to, हाँ जी, तो अब अगर हम W को खोल लें तो उसको एक्सपेंड करें मेरे ख्याल में, हाँ जी, इसी तरह एम जी एच बटा टी आ जाएगा. तो सर ये जी हमारे पास ग्रेविटी उसने 10 दी हुई है, तो ये मेरे ख्याल में निकल आएगी वैल्यू उसकी. हाँ, इजी यानी कैलकुलेट हो जाएगी. वो जो आपको अलाउ होता है ना वहाँ पे ऊपर पेंसिल लेके जाने का और रफ अमल करने का, तो उसमें ये बड़े आराम से हो जाएगा. ठीक है. अच्छा सर मेरा एक सवाल था सर, ऊपर वाले में बी आएगा सी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें, मुझे पता नहीं. अब ये बी आएगा कि इसमें एक्स क्या, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी और एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगी. हाँ ठीक है. अच्छा, क्योंकि वो सर एक्स बराबर है, सर असल में x बराबर है 0 ना, तो वो मेरे ज़हन में उसको देख के आ रहा था कि मे बी वो उसकी जब लिमिट नहीं, लगाएंगे हम, तो हम इंटीग्रल ये है ना उसका इंटीग्रल फिर 0 से x. अच्छा 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 ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया. ओके, ये थोड़ा सा आगे है. पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स f इज इक्वल टू kx वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. If potential energy at origin is zero, then potential energy of the particle varies with x as. कुछ अंदाजा करें इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम? सर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जमीन पे तो वो जीरो होगी सरफेस पे, अगर हम हाइट पे ले जाएं तो वो हमारे पास जो मैक्सिमम होती है. और हाँ जी पार्टिकल अगर तो पार्टिकल हाँ वो ठीक है, आप सर जैसे पार्टिकल के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं. हाँ सर पार्टिकल के ऊपर अगर हम फर्ज किया, यहाँ पे तो फार्मूला वैसे F इज इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है जो स्प्रिंग से रिलेटेड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज किया हम किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं और उसमें उसी की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है तो तब हमारा फॉर्मूला और होगा, और अगर हम उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है तो तब हमारे पास एंगल और बनेगा और उस सूरत में पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू और होगी. तो आई थिंक इससे फंक्शन आ जाएगा और पता चल जाएगा वो किस चीज का फंक्शन है, यहाँ से देख के बताएंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कौन सा है. जी 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 सर, ठीक होगी बात. जी सर. हाँ तो इसको आप ना जब हमारे पास इस तरीके से जनरलाइज आ जाएं तो फिर आपने उसकी फंक्शनल फॉर्म को इस्तेमाल करना है. ठीक है, ये मतलब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे या इंटीग्रेशन कर लेंगे. ये बुनियादी है ना, ये बुनियादी बात है ना, हमने लास्टली पढ़ी थी बातें. फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो अगर आपको पोटेंशियल मालूम करना है तो आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको. ठीक है, जबकि फोर्स दी हुई हो, और अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्स निकल आएगी. जी सर, ठीक होगी बात. अब मैस है मैं उस्मान, उस्मान जिंदा अभी जाग रहे हो? जी जी सर जाग. अ मैस एम इज लोड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग बाय अ डिस्टेंस एक्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी बाय 2. द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग विल बी, देखें जी इसको क्या करें. सर ये डाउन है वर्क हमारे पास, फोर्स हम ऊपर से फर्ज किया लगा रहे हैं, मतलब तो वो जो डिस्टेंस है वो एक्सीलरेशन एम इज लोड लोड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग बाय अ डिस्टेंस एक्स एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी बाय 2. सर एक्सीलरेशन इसमें जो है जी बाय 2 है, एक्स जो है वो जी जो है नेगेटिव आ जाएगा इसका ग्रेविटी. सबसे पहले हमें फोर्स मालूम करनी है. ठीक है ना, अगर फोर्स पता चल गई तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका जनरल ट्रिक है. अब आपने जब आप उसको नीचे ले जा रहे हैं इस तरह ऑब्जेक्ट को लोअर कर रहे हैं
तो आपने इस स्ट्रिंग के अंदर अगर टेंशन किसी तरीके से मालूम कर लें, तो टेंशन जो है, टेंशन की फोर्स जो है वो इसके लोअर होने में जो फोर्स एक्ट कर रही होगी इसकी, वो निकल आएगी, और अगर वो निकल आती है तो फिर उस सूरत में हमारे पास इसका सही ऑप्शन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें एलिवेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू, क्योंकि आप नीचे एक्सलरेट हो रही है तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बड़ी होगी, अपवर्ड फोर्स जो कि टेंशन है वो छोटी होगी, याद है ये, इज इक्वल टू एक्सलरेशन। यस सर। और एक्सलरेशन है जी बाई टू और साथ में मैस। अब यहां से टी को मालूम कर लें, टी को उधर ले जाएंगे, एम जी माइनस एम जी बाई टू, तो आधा एम जी बाकी रह गया, ये फोर्स है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है एक्स, तो हाफ एम जी एक्स कहीं है, एंड सो एंड सो फोर्थ। अब मैं मेल कर दूं आपको, ये सेंड कर दूं ये वाले सारे। जी सर, ये सेंड कर दें। ठीक है, आप ट्राई करें, कल मैं फिर इनकी की जो है ना वो कल अगर मुझे टाइम मिला तो की अपलोड करूंगा, नहीं तो फिर मंडे वाले दिन इनकी की मैं अपलोड करूंगा, अगर नेटवर्क चल पड़ा तो, जब ही चल पड़ा फिर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे अब की तो मैं जो लास्ट टाइम आपने तो मैं सेंड करूंगा, लेकिन मुझे ये इस तरीके से इनकी चीजों की एक्सप्लेनेशन चाहिए, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वरना ऑप्शन याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो लास्ट वाले थे वो भी नहीं की सेंड की, वो की तो मेरे ख्याल मैंने सेंड की थी, कुछ रहती थी की उनकी एक्सप्लेनेशन शायद नहीं की हो, तो चैप्टर 6 वाले की आई थिंक, लेक्चर 6 जो है उसकी नहीं की थी पहले वाले की। एक मिनट मैं देखते हैं अभी चैप्टर किस में था, कोई अंदाजा हो थोड़ा सा मुझे अगर बताएं आप, तो मतलब किस में, मैं चेक करके बताती हूं था किस में, हाँ थोड़ा सा बताओ अभी मैं देख लेता हूँ। प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे फोर्थ एंड मोशन वाले के लेक्चर 6 में। अच्छा, लेक्चर 6 हमारा ये बनता है, अभी देखिएगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये वाले जी सर, यही वाले। अच्छा अच्छा, इनकी की नहीं आई अभी, चलो मैं फिर करता हूँ आपको सेंड इसकी, ये थोड़े से ही है, मैं बना देता हूँ अभी। ठीक है, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। जी सर। हाँ अच्छा, वो जो साइट दी थी उसमें से कौन कौन सा, कौन कौन आप में से प्रैक्टिस कर रहा है? तो वो 14 सेट की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, बाकी बाकियों पे नहीं उतरा, बाकियों ने पेपर नहीं देना? जी सर, की मैं भी कर रहा हूं। सर किसका पूछ रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। वो एक मैंने साइट का लिंक भेजा था, उस साइट के ऊपर ना एमसीक्यूज का ऑप्शन बाद में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव बुक जो भी है मुझे पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही था, तो उसपे ना इसलिए वो कहा है कि सिर्फ उसको याद करना है उन चीजों को, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब ना सिर्फ उनको सॉल्व करना है बल्कि अपने लिए हिंट्स ना किसी ने किस तरीके से लिख के रखने हैं। इस तरह की और चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर होंगी, ये मैं सिर्फ आप यहाँ पे कर रहा हूँ कि फर्ज किया जिस तरह आपका एंट्री टेस्ट होता है एमकैट वगैरह का, उसमें बाज दफा वो बहुत सारे डाल देते हैं, क्या उसे कहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े आसानी से भी डाले जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसे नहीं है लाजम के वो बहुत सारे मुश्किल और कैलकुलेशन वाले हों, कैलकुलेटर के बगैर हल हो सक होने वाले बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो उनके हिसाब से भी हमने कोई प्रैक्टिस करनी है तो वो हो रही है साथ, बाकी जो चीजें वहां पर किताब में डिस्कशन टाइप है ना
उनमें से भी चांसेस हैं आने के। और एफएससी की किताब की क्या सूरत हाल है, उसको रिव्यू कर रहे हो कि नहीं साथ साथ? उसको तो रटना है, जी सर कर रहे हैं, उसको हिफ्स करना है, हिफ्स करना है उसको। सर उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है साइड पे दी हुई उन्होंने, बहुत ज्यादा वैल्यूज भी, मतलब हर और वो इंफॉर्मेशन एज इट इज आ जाती है, ये याद रखना। जी सर ऐसा ही है सर। उसमें एक वो मैंने मजे के सर उसमें मैंने एक मजे की चीज पढ़ी, उन्होंने कहा कि इस बुक में जितने भी कलरफुल आपको चीजें नजर आएंगी ना, जो कलर नजर आएंगे वो बेसिकली चार कलर से मिलकर ये बुक बनाई गई है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा देख लें भी, ये भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आमतौर पर आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी कलर प्रिंटर में सर यही कलर होते हैं, इसी से मिलके सारे वो बना रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये जैसे बुनियादी कलर, असल में बेसिक कलर्स तीन होते हैं ना। हाँ, यानी इस तरह वो फिर थोड़ा सा आप आजकल मतलब ये आ रहा है जैसे 4K मॉनिटर है, 2K मॉनिटर्स हैं, 2K रेजोल्यूशन वाली LCDs LEDs हैं, इनका भी ध्यान में रखें। 4K का क्या मतलब है, 8K का क्या मतलब है, 2K का क्या मतलब है, इनका भी ध्यान में रखें। जी सर, एलईडी में क्या फर्क है, एलसीडी में क्या फर्क है, एलईडी में कितने कलर की एलईडीज इस्तेमाल होती हैं तो एलईडी बनती है। जी सर, एलईडी तो बहुत पहले की डिस्कवर हुई है, तो पहले एलईडी क्यों नहीं बनाई, पहले एलसीडी क्यों बनाई, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और कुछ अब डिस्कस कर लें आज के हवाले से। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, सिस्टम ऑफ आर्टिकल, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हमने डिस्कस करनी, वो अब कर रहे हैं। इजी हो ना आप लोग, थक तो नहीं गए? जी सर इजी है। हाँ इजी है, आवाज साथ में ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा करो, साथ खाया पिया भी करो। जी सर। सर चाय पीनी पड़ती है, कोल्ड ड्रिंक से गुजारा नहीं होता सर। सर चाय जो है वो दिमाग को खोल देती है जरा, एक्टिव कर देती है बंदे को। अच्छा, ये अब ना यहाँ पे सेंटर ऑफ मैस की बातें हैं, सेंटर ऑफ मैस। एक तो सेंटर ऑफ मैस का जो फार्मूला है ना, उसको हम अंडरस्टैंड करने से पहले एक खुद से सादा सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है। इसको समझाने के लिए ना आपसे स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैंने ना वन डायमेंशन में दो पार्टिकल ले लिए। एक पार्टिकल जिसका मैस m1 है और x1 पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मैस m2 है और उसको मैंने x2 पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। फिर मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बाकायदा जो है वो इसमें स्केल लगा लिया है। मैंने कहा जी ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। फिर मैंने उनके मैसेज को बाकायदा जो है ना उनकी वैल्यू रख ली है। मैंने ये फार्मूला लिखा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मैस एक्चुअली एक पॉइंट होगा ऐसे ही, और कोई भी पॉइंट स्पेस में अगर मुख्तस करना है तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर आपने प्लेन में उसको करना है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, और अगर आपने उसको 1 डायमेंशन में यानी सिंगल लाइन के ऊपर मुख्तस करना है तो आपको सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैंने चीजों को सादा रखने के लिए सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है वो बात कर ली है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये मैंने कैलकुलेशन की है। मैस m1 1 है और x1 1 पोजीशन पर है, m2 2 है और x1 पोजीशन पर 3 है, यानी जो मैस है वो 2 है और जो पोजीशन x2 है वो 3 है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 6 7/3, और 7/3 कितना होता है,
2, 3, 6 और 3, 3, 9 2.3 meter 2.3 तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर मैं इसके 10 हिस्से करूँ इसके तो 2.3 meter जो है वो यहाँ पे बनता है। तो ये इस सिस्टम का टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। क्या आप लोगों का अब आइडिया क्लियर हो गया सेंटर ऑफ मास के बारे में? अगर कोई क्वेश्चन जेन में आता है तो फिर पूछें। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास को हम ये भी तो कह सकते हैं ना, मतलब जैसे एक पेंसिल है तो अगर मैं उसको अपने हाथ की टिप पे उंगली की टिप पे बैलेंस करूं तो वो जहां पे जाके बैलेंस हो जाएगी वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा ना डिस्टिंक्शन रखें अपने दिमाग में। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सही है। और एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू से इसका डिफरेंट नाम रखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे पास ये कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये किसी भी रिजिड बॉडी का या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसके बारे में हमें बताता है। आप देखें इसका मास 2 किलोग्राम जो है वो बड़ा जिस तरफ था सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो गया। नजर आ रहा है? दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट विच विल एक्चुअली टेल अस अबाउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मीन्स दैट द पॉइंट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स विच द सेंटर ऑफ मास इज मोर। एक मिनट यार, मैं जानो एक फोन आ रहा है मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। दोबारा बात आपकी स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के हवाला से ये बात हो गई कि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फर्ज कर लें। बाकी सारी चीजें तो इसके बारे में चलो अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं उसको। ये फार्मूले आपने आप लोगों ने वैसे भी पढ़े हुए होंगे। तो इस सूरत में
जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी की बात अगर हम करें, उसकी पोजीशन की बात तो हमने कर ली, ये उसकी पोजीशन निकल आई टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। ये डेरिवेटिव ले लें तो वेलोसिटी निकल आती है। ये वैसे आप हमेशा के लिए अपनी बात याद रखें कि जब कभी भी किसी सिस्टम ऑफ पार्ट किसी चीज की पोजीशन हमें पता और उसका डेरिवेटिव लेके हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरीके के आ सकते हैं और महवेश अगर उनको हल कर रही है तो इसको अंदाजा होगा इस चीज का। अच्छा, अब जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है ना, अब इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें। ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स किसी भी पार्ट सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही है वो एक्चुअली उस टोटल सिस्टम का मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। ये इससे क्या पता चल रहा है? देखो, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है एम मास का और उसका ए एक्सेलरेशन है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स ये है, नेट फोर्स अगर सपोज करो ये है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इफ पार्टिकल हैज इट्स मास एम and its acceleration is a, तो अगेन अगर हम इसके ऊपर देखें, हमने तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहा था, कोई पार्टिकल इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, कोई कहीं पर पड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही है तो वो पार्टिकल एक दूसरे आपने वो पार्टिकल जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके मूव करेंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो पार्टिकल आप एक दूसरे से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके मूव करेंगे कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे फील होगा जैसे पूरे सिस्टम का मास उस सेंटर ऑफ पूरे सिस्टम का मास उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेटेड हो गया है और वो सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे उस नेट एक्सटर्नल फोर्स के जेरे असर जो है वो मूव कर रहा है। ये अब हमारे पास है, ये इसका कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग जो आगे चल करके बात बनती है वो ये बनती है कि सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसके ऊपर जीरो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, जीरो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? ए सेंटर ऑफ मास इक्वल जीरो, तो ए सेंटर ऑफ एम ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। अब ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? डी वी सेंटर ऑफ मास ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब होगा? वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये देखें आपके सामने एक चीज एक मिजल है, ये मिजल है, ये यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है। एक्सप्लोड होने के बाद इसके एक दो तीन चार टुकड़े हो गए, ठीक है, और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे फॉल कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास, ये दोबारा रिपीट कर दें, क्या चीज? ये फिगर वाली बात सर। हाँ हाँ, मैं वो कह रही, यहाँ पे उसने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है सेंटर ऑफ मास के हवाला से ना। वो एग्जांपल ये है कि ये एक मिसल है कंटेनिंग थ्री वॉरहेड्स फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। ये मिसल था, इसमें थ्री वॉरहेड्स थे। वॉरहेड्स का मतलब थ्री, जैसे उसके साथ हमने जो है ना वो शेल्स लगाए हुए हों बड़े बड़े। An explosion releases the three warheads which travel so that their center of mass follows the original parabolic path. अब उनका जो center of mass है वो original parabolic path ही follow करेगा, ये इस तरीके से move करेंगे। और ये center of mass क्या है? वो जो मैंने उन यानी यहाँ पे वो तीनों इस तरीके से distribute होंगे कि उनका center of mass वो ही original path follow करेगा जो उस वक्त उस मिसल ने फॉलो करना था अगर वो एक्सप्लोड ना होता तो। अब वो एक्सप्लोड हो भी गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका उसका सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोशन जो है वो इस तरीके से है कि वो अब भी वही पाथ फॉलो कर रहा है जो ओरिजिनल शेल ने करना था, मिसल ने करना था। ये वो दोनों चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि द ओवरऑल ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग न्यूटन्स लॉ एज इफ इस तरह के ऑल द मैसेस वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड द
center of mass and the total external force were applied at that point. क्योंकि उसका मोशन आ रहा है ना यहाँ पर. इस तरीके से वो कहता है कि corollary from the immediate case, अगर तमाम forces zero हैं, if the net external force of the system of particle is zero, ये MCQ बन सकते हैं. इसलिए इनको याद रखना है. Explanatory MCQ बन सकते हैं. Then the center of mass of the system moves with the constant velocity. ठीक ना. This explain the observation we made in section 9.1. In studying the problem of two masses connected by a spring, इनको देख लीजिएगा. वो पहले सेक्शन में वो जो हम छोड़ आए हैं वहां पे ना इसी चैप्टर. बाकी इसने बहुत सारी एग्जांपल दे करके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आपने इस चीज को रखना है ज़हन में. हमें जो अब और चीज याद करनी है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करने का तरीका. एक्स सेंटर ऑफ मास का मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट. वाई सेंटर ऑफ मास का मतलब है सेंटर ऑफ मास पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट. और जी सेंटर ऑफ मास का मतलब है वाई अपने सेंटर ऑफ मास पॉइंट का जी कोऑर्डिनेट. कैसे डिटरमिन करते हैं किसी बॉडी के लिए? टोटल मास इनटू इंटीग्रल. टोटल मास इनटू इंटीग्रल. टोटल मास असल में सम ही है जो हम पहले देख रहे थे. लेकिन अब अगर बॉडी कंटिन्यूस है या उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो उस सूरत में फिर ये इस तरीके से आ जाएगा. और अगर बॉडी कंटिन्यूस है यानी सॉलिड ले लें, लोहे का टुकड़ा ले लें आर्बिट्ररी शेप का, तो उस सूरत में और उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस सूरत में फिर आर इज इक्वल टू वन ओवर एम इंटीग्रल आर डी एम. यानी उसके जो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आप उनके ऊपर इंटीग्रेट करना है उसको. अच्छा, अब ये बड़ी टीडियस इक्वेशन है. ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती है जब हम ओरिजिनल में इसको बनाते हैं ना, तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप हो सकती है, आर्बिट्ररी शेप हो सकती है. तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज पूछे ही इस ट्रिक से जाएंगे. वो ये है, इन मैनी केसेस इट इज पॉसिबल टू यूज आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री और सिमेट्री टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, द सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द शेप. अब आपको और चीजें भी पता होनी चाहिए. व्हाट इज मेंट बाय ज्योमेट्रिकल शेप? सेंटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का असल सेंटर. लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्फेयर में एक जैसा, तो फिर सेंटर ऑफ मास उस स्फेयर के ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है उसके ऊपर नहीं होगा. ये याद रखना है अब आपने. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट्स डेंसिटी बी कांस्टेंट. आ बेसबॉल फॉर एग्जांपल, आ बेसबॉल हैज द स्फेरिकल सिमेट्री इवन दो इट इज कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है ना. अच्छा, डेंसिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी का फर्क है. एक डेंसिटी ये है कि जिस तरह ऊपर जाते जाएं डेंसिटी वेरी करे, लेकिन सिमेट्रिक हो. इधर को जैसे वेरी करती है वैसे ही इधर को करे, वैसे ही इधर को करे, वैसे ही इधर को करे, वैसे ही इधर को करे. ठीक है. लेकिन अगर ये हो कि इस तरफ मास ज्यादा हो और इस तरफ मास कम हो तो ये सिमेट्री नहीं है. इसमें वो बात आएगी जो मैंने आपको पहले बताई है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब आप ये देखें, उसने ट्राइंगल के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश की. इसको आपने लाजमी तौर पर स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है. थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके पास एमसीक्यू. और ये देख लें, ये वैल्यू है उसकी सेंटर ऑफ मास. ये क्या है? एक सिंपल स्ट्रिप है जिसको सेमी सर्कुलर जो सेमी सर्कल की फॉर्म में उसको क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है. तो उस सूरत में उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसने अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए सेंटर ओरिजिन कोऑर्डिनेट का यहाँ पे ले लिया, इस तरफ एक्स एक्सिस ले लिया, इस तरफ वाई एक्सिस ले लिया. और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर निकलेगा, इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकले हैं.
ये भी आपने रटा लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मोमेंटम एट हाई स्पीड है, ये हम रिलेटिविटी में वैसे पढ़ेंगे लेकिन एहतियात नहीं, यहाँ पे मैकेनिक्स कोर्स में ये फार्मूला याद रख लें, ये मोमेंटम का फार्मूला है एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, और ये काइनेटिक एनर्जी है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप मॉडर्न फिजिक्स में भी दोबारा देखेंगे रिलेटिविटी वाले कोर्स में, लेकिन यहाँ पे फिर आप इसको याद कर लें कि किस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, ये भी हमेशा याद रखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m होता है, ये इससे तो आप फैमिलियर होंगे लाजमी तौर पे। ये अगर क्लासिकल हम सूरत हाल लें तब एनर्जी कैसे बढ़ेगी, और अगर हम रिलेटिविस्टिक रिलेशन लें तो तब एनर्जी जो है वो कैसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये भी एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, कंपेयर किया करने करके पूछा जा सकता है। ये दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है जिसको हम वहां से डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से मिलता जुलता है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा अब हमें तवज्जो नहीं देनी। अब हमारे पास रह गया रॉकेट प्रोपल्शन वाला, एक तो वो पोर्शन याद करना है जो आपका एफएससी की किताब में है, दूसरा थोड़ा सा ये एडवांस है जो आपने यहाँ से करना है। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है, इसकी जितनी भी एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है वो आपने जहनशीन रखनी है, याद रखनी है। ये जनरल इक्वेशन है वेरिएबल ऑफ मास के लिए, और रॉकेट इक्वेशन में ये पर्टिकुलरली ये है रॉकेट इक्वेशन, इसको जरूर याद करना है क्योंकि रॉकेट मशहूर है ये चीजें, इसमें लाजमी तौर पे इन इक्वेशन का चेंज इन वेलोसिटी का एनालिसिस करना है, इसका भी एनालिसिस करना है, ये रिलेशन भी लाजमी तौर पे याद रखना है, एम एफ ओवर एम नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी ओवर वी वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव और वी वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एजेक्टेड गैसेस। ये अब आपने याद करना, इस एग्जांपल को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे भी आइडिया क्लियर हो जाएगा और इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपसे आइडियाज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आप किताब आपके पास खैर है, उसको ट्राई करें जरा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो आप मेरे साथ कोई बात डिस्कस कर सकते हो, वरना फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होगा। फिजिकल क्लासेस में कौन कौन आ रहे हैं? सर मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह, ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करें, बाकी इसमें नहीं परेशान होना, यहाँ पे डिस्कशन उसी तरीके से होती रहेगी, लेकिन आपको टेस्ट के लिए हमने संडे वाले दिन टेस्ट रखा करना है वीकेंड के ऊपर, उसके लिए सबको लाजम है अपीयर होना वहाँ पर। जी सर इंशाल्लाह। हाँ, उससे ना कुछ मतलब डिस्कशन होनी चाहिए सामने फिजिकली, हम देखें आप लोगों का क्या मुराल है, आप लोगों की क्या सूरत हाल है, उससे भी पता चले, उसको भी थोड़ा एड्रेस करना है, ठीक है जी सर। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी, और फिजिकली लोगों के साथ भी, और जो हमारा लेक्चर होगा उस पर भी इंशाल्लाह।